सोनभद्र में एनटीपीसी परियोजना की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया गया। आपको ये बता दें कि बिजली उत्पादन करने वाली एनटीपीसी परियोजना का 800 मेगावाट की दो इकाई के विस्तारीकरण किए जाने को लेकर काम तेजी पर है। अब ऐसे में अवैध रूप से बनाए गए 36 कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल और एनटीपीसी परियोजना के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। ये हमारा जो 800 इंटू 2 मेगावाट का विस्तारीकरण हो रहा है, उसके तहत हमारे 34 खटाल और दो जेएमई में क्वार्टर्स थे, उनको तोड़ने का हमारा पीपी एक्ट में कार्रवाई हुआ था और उसका काफी दिन से एविक्शन ऑर्डर निकला हुआ है। स्टेट ऑफिसर ने एविक्शन ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसके बेस पे आज कार्रवाई हुई है। हमने प्रशासन और पुलिस से हेल्प मांगा था तो आज पुलिस मिली थी हमको, महिला पुलिस वगैरह चाहिए था तो पर्याप्त मिल गया था। तो आज एसडीएम साहब भी आए थे और एसएचओ साहब और बाकी आसपास के थाने के पुलिस आने के बाद हमने ये कार्रवाई की और हमारे आज 36 जो है स्ट्रक्चर्स वो खाली किए हैं।